गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा और पलटन आ गई है सुबह सुबह घूमी घूमी करने। कल धूप निकल गई तो लग रहा था कि शायद मौसम ठीक होने वाला, लेकिन आज फिर से मौसम देखो कैसे बादल और फॉग। और मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी को नवाब की दादी को हॉस्पिटल लेके जाना है सफदरजंग। वहाँ पर उनके टेस्ट होंगे और डॉक्टर से चेकअप कराना है। तो गुड्डू मम्मा जा लिए दादी को हॉस्पिटल लेके, तू भी चल 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 चल। मम्मी चलो आगे कैब। तो हम लोग निकल तो गए मेट्रो के लिए और थोड़ा सा लेट भी हो गए। मम्मी देख रही है शक्ल तो बंदरिया सी हो रही है और कल से लगी पड़ी है व्लॉग बनाने। और मैं से ना आज मेरा फिर भी बेटर है, कल से थोड़ा बोल भी पा रही हूँ मैं। लेकिन कैब से तो उतर गए हम लोग और मम्मी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ट्रेन में बैठने वाली है। वो नॉर्मल ट्रेन में भी नहीं बैठी, सीधा मेट्रो में बैठेंगी। मम्मी एक्साइटेड है मेट्रो में बैठने के लिए। मम्मी कल बोल रहे थे मैं कभी आज तक ट्रेन में नहीं बैठी। मैंने कहा चलो आज आपका ये सपना पूरा करते हैं। चलते ही जा रहे हैं। जितना सोचा था कि मम्मी को कम चलना पड़े, उतना ही मम्मी को चलना पड़ रहा है। तो मम्मी परेशान हो गई एक्सीलेटर चढ़ चढ़ के। एक बार तो मम्मी बिल्कुल ऐसे हो गई इतना गिरने को, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अब मैं मम्मी के लिए ना हर जगह लिफ्ट ही ढूंढ रही हूँ। चलो आ जाओ। मम्मी ने हिम्मत दिखाई हुई सच में। बहुत सारी लेडीज होती हैं डिनाई कर देती हैं। तो पहुंच तो गई मैं हॉस्पिटल, लेकिन मेरे को बुखार ऐसे चढ़ रहा है क्योंकि इन हॉस्पिटल्स में भाई बहुत भगाते हैं इधर से उधर। और हॉस्पिटल में पहुंचते ही सबसे पहले गलत डिपार्टमेंट में भेज दिया। किसी से पूछा ओपीडी किधर है, तो उन्होंने मेरे को गलत ही भेज दिया। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हम लोग ना अब एक जगह पे रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जिनकी वजह से आए हैं, यहाँ पे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिलाई है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ पे हो वहीं रुको, मैं लेने आ जाता हूँ। तो हम उनका वेट कर रहे हैं। ये डॉक्टर हैं हमारे साथ में, ये हमारे दोस्त हैं। ये भी एक बच्चा मेरे पास है, एक भैया के पास है, एक नहीं भैया के पास तो बहुत सारे हैं। भागे जा रहे हैं करवाए जा रहे हैं काम। हमें कुछ नहीं पता कि हमें किस डिपार्टमेंट जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। भैया आगे से आगे काम करवा रहे हैं हमारा। अभी मेरे हाथ में मम्मी के ये कुछ ब्लड सैंपल हैं, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, बाकी सैंपल मम्मी देने गए हुए हैं। बहुत परेशान हो गए यार, इस रूम से उस रूम में, उस रूम से इस रूम में, इस रूम में मुझे खुद नहीं पता, मम्मी को खुद नहीं पता चल रहा है हम लोग कितने चक्कर लगा चुके हैं, क्या हमारे साथ में चल रहा है। मम्मी आ गई। आओ मम्मी। और अब जाके फाइनली हम फ्री हो गए। मम्मी के काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं, एक डॉक्टर से चेकअप भी हुआ है। अब जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में मम्मी के जो सबसे सीनियर डॉक्टर हैं वो चेकअप करेंगे, और वो प्रोसेस होगा 2 दिन बाद। अभी हम लोग फिर से मेट्रो पकड़ने वाले हैं। तो मैंने मम्मी को यहाँ एक्सीलेटर से बचा के वो पीछे लिफ्ट से लेके आई, और अब मैं यहाँ पे पेट पूजा करने वाली हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं घर वापस, ये हमारी लास्ट मेट्रो। और मम्मी इस बार काफ़ी बेटर हैं पिछली बार से। ओले ओले ओले, मम्मा आ गई गुड्डू की मम्मा। ओले इतनी स्ट्रेचिंग। आज आज दादी से मिल लो। सो ही रहा है। हाँ। कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं करा, सो ही रहा है। विच को हमें क्यों भोंक रहे हो आप? हैं भोंक रहे ना तो। अच्छा आपको अटेंडेंस लगानी है सबके साथ में अटेंडेंस लगाओगे। पी पैड के ऊपर आप बैठे हो, है बेड से आधे बाहर आप हो। भाऊ और मेरे बच्चा कह रहा मम्मा मेजी तो मिलो। आ जाओ दादी से मिलो दादी से। ठीक है, सब ठीक है। कान तो देखो लाड से सीधे ही नहीं हो रहे लड़के के। हाँ अगला बीमार है कि तू बीमार है? है सेवा किसकी होनी चाहिए? बैठ गया कमर करके बैठ गया। करो खुजली, टैक्स लगाओ। नवाब तो नवाब है, ये बात तो है। ऐसे बोल रही है नानी, नवाब तो नवाब है। कह यार तुम ठीक से करो दादी। हाँ सही से करो, अच्छे से करो ना। हाँ सही नहीं कर रही आप।
हम नानी करेगी नानी से कराओगे, हम नानी करेगी है थोड़ी देर सबसे हम कर कर दिखाते हैं। तो मैं निकली अभी नवाब की दुनिया के लिए, रास्ते में थी तो देखो हमें कौन मिला, हमें पप्पी और मम्मा मिले। रात को हम लोग खाना खिलाते हैं इन्हें, इसकी मम्मा को, इन्हें, इनकी पूरी फैमिली को। ये इसकी मासी है, मम्मी नहीं है। ओले ओले ओले, धूप सेक रहे हो। और इनका डॉग हाउस वो रखा वहाँ पे, यहाँ पे रखा हुआ है इनका डॉग हाउस। क्या हो गया, आइए पधारिए। पधार गए हम नवाब की दुनिया में। अभी तो कोई, अरे हेलो, नहीं लेगी ना। अपनी माँ को ही गुस्सा कर रहा है शक। अरे भाई अपना साइज तो देख, पीछे होके बैठा। अच्छा ऑस्कर ये गुस्सा पता क्यों कर रहा है अपनी मम्मा से, क्योंकि ऑस्कर ने यहाँ पे डिगिंग करनी है। तो ऑस्कर कह रहा है कि मुझे डिगिंग करनी है, मुझे डिगिंग करना है। यहाँ पे पौधा भी तोड़ दिया, डिगिंग भी कर दी। तो मैं एक बार ना घर भी हुआ है बीच में, और अनामिका आई हुई थी, अनामिका को एक प्रॉपर्टी दिखाई, उन्हें शिफ्ट करना है। तो बोल रही है कि मुझे अपने आसपास ही कहीं घर दिखा दो। और उसके बाद में ये छोटू सा क्यूटू क्यूटू पाई आया हुआ है, उसका एक बड़ा भाई उधर है सुसु करता घूम रहा है कहीं कहीं। और अब मैं जाऊंगी घर। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, काट रहा है मेरे को, काट रहा है मेरे को। तो मैं अभी आ गई हूँ बोर्डिंग से, और अब मैं लगाने वाली हूँ सारे में, यहाँ पे सब में झाड़ू, क्योंकि सब कुछ फैला फैला सा है। और ये लड़की हमारी मैली मैली सी है, रोई रोई सी। और कैसी है, रोई रोई सी लग रही है मेरे को वान्या, पता नहीं क्यों वान्या आप रोई रोई क्यों लग रहे हो। अच्छा ये आपकी पोनी किसने बनाई, आपकी पोनी किसने बनाई, दादी ने। आप उनको और क्या बोलते हो, हाँ तो दादी मम्मा ने बनाई। अरे ये अपनी काली क्यों लग रही है बाकी तो हम लोग ना अभी फिर से आए हैं नवाब की दुनिया में ताशू को पूछने, क्योंकि ये इस लड़की को खाने हैं मोमो। तो मुझे लगा कि यार जब इसको खाने तो ताशू को भी पूछा जाए। देखो आज कैसे लगा रही है अब ताशू भैया प्यार से। अरे नहीं, हेलो हशकी, नाम उसका बताएंगे, नाम है ब्लैक। तो गाइज डिसाइड हुआ चौमिन खानी है और स्प्रिंग रोल खाने हैं, लेकिन मैंने बोला दो जगह पे अलग अलग ऑर्डर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, मेरी मानो पिज्जा खा लो। तो क्या कहते हो गाइज, तो मैं अपनी फेवरेट जगह आ गई जहाँ मैं पास्ता खाती हूँ। ताशी बेचारा यहाँ पे भी वाईफाई का पासवर्ड ढूंढ रहा है, और वान्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। झूठ झूठे 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 इस जगह, हाँ ऐसे बोलो ना कि यहाँ लापिनो में आप फर्स्ट टाइम आए हो। ये देखो इसकी टोरी अलग है, मतलब पूरा नोडो घूमा हूँ। तो वान्या ना ब्लश कर रही है पिज्जा के नाम, वान्या को खाना था स्प्रिंग रोल, मिल गया पिज्जा क्या डबल हो गया ना डबल। अच्छा ये तो बताओ आपने मेरे को बोला कैसे कि बुई चलो ना स्कूटी पे घूम के आते हैं ताशु। अच्छा इसको खाना है, चट्टो ना, क्या कैसे बोले आप, मुझे बाहर लेके चलो ना प्लीज। देखो इसकी नटंकी देखी कैसे वो है। ये मैं चलो ना फिर एक्टिवा पे घूम के आते हैं। मैंने क्या करेंगे एक्टिवा पे घूम के, करी मोमो मोमो मोमो। ए पापा के परे बताऊं तुझे, आया बड़ा दो भी मैंने। अच्छा आया बड़ा पापा का परा। वानिया आपको जल्दी सीख के दिखानी है एक्टिवा फिर, ठीक है। तो भाई पिज्जा तो आ गए हमारे, लेकिन ये देखो ताशू की बन रही है स्टोरी, कह रहा है पूरी पहले मैं स्टोरी बनाऊंगा। मैंने कहा चल भाई तू बना, मैं तेरा व्लॉग बनाती हूँ। तो अब हम खाएंगे खुशी खुशी। वैसे इस लड़के का मुंह आया हुआ है, ये खाना नहीं खा पा रहा गाइस अभी, मतलब मुंह आ रखा था, मुंह में छाले आ रखे हैं। अब आपके एक होएगा। इसके बोल बोल के ना मेरे भी मुंह में छाले आ रखे हैं। ये ऑर्गेनो के साथ में भर रही है, वो चिली फ्लेक्स के साथ में खा रहा है, और आ कर रहा है। मर्द छोड़े वो कौन होते हैं, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, और ये चिली फ्लेक्स क्या है ये,
इंसान आजकल कुछ भी जैसे हाँ। गाड़ी में ओवरलोड हो जाता है ना, बस हमने पेट में कर दिया है। तो हमने ना पिज्जा इतने ज्यादा खा लिए कि हमारा ना ओवरलोड हो गया। अब हमसे कोई खाने की बात भी करेगा तो ऐसे करेगा, नहीं हमें नहीं खाना, चलो चलो चन्नी चवन्नी अठन्नी बैठो फटाफट एक्टिवा पे बैठो जल्दी जल्दी। क्या बोल रहे क्या बोल रहा था अभी? थारा भाई ताशू चला देगा, इतना चला देगा किसी ने सोच ले लियो। भैया बात करें तो हम लोग ना वापिस आ गए, लेकिन आए नवाब की दुनिया में, क्योंकि वानिया का वो छोटा पप्पी है ना हस्की का, वो देखना है। और अब भैया तो तेरे पीछे खड़ा है, किसको आवाज लगा रही है? अच्छा दूसरे वाले भैया, देखो भैया अब बिग गेट खुलेगा। आ गए सर, आ गए आ गए। अरे 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 हो गया बस। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर, जाते 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 बहुत टाइम हो गया मुझे भी। रोहन जा रहे हैं हमें छोड़ने, क्योंकि रोहन को अपनी गाड़ी ले ना। वो कौन है आपसे मिलने? ये देखो ये लोग आग सेक रहे हैं, आग के मजे ले रहे हैं। कौन आया ना अबू से मिलने? करे खोलो 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 खोलो, कैसे देखना कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितना कितना खुश कितना खुश। अरे अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या कुछ। अब करेगा किसी आओ किसी करो आओ खुद ही करा लो। बैठ गया हो गया इसका हाँ बस खुद ही चाहिए। कर दो हाथ, करना इसके हाथ के आगे कर देगा। करे खुद ही करो भाई, तुम खुद ही करो। करे क्या हो रहा है? गर्मी में हुए थे, अब नहीं, अब ठीक है। ताप लो बेटा, ताप लो, ठंडी हो रही है बहुत ज्यादा, ताप लो। बस सारा दिन दीदी से खुजी कराते रहे और कोई काम ही नहीं है। तो गाइस खाना तो हम लोग खा ही चुके थे, पिज्जा, उसी से पेट भर गया था आज। और अब हम लोग निकल चुके हैं फीडिंग के लिए। मेरे साथ में आज गुड़िया आई है वान्या, और इतना खुश होती। हाँ जी बेटा इनके थाल के अंदर डाल दो, बच्चों के साथ में इतना खुश रहती है, इतना इसको सर्दी भी नहीं लग रही है। अब इसको फीडिंग पे आना। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये देखो ये सब अच्छा लगा भाई, ये अपनी मां को भी नहीं खा देते हैं बड़ा। और मम्मा का है तुम्हारी आज? अरे अरे लड़ाई नहीं। तो अब हम लोग आ गए अपने पिल्लू से मिलने। पिल्लू आज मेरे बच्चा आ गया। पिल्लू आ गया मिला वान्या को करे काटे चुके हैं वही, अभी हटा देंगे। इधर आ पिल्लू। अरे मेरे पिल्लू आ जा। दीदी पाश ओले बाबा क्या रेत निकाला इसने। हाँ इनको ये लग जाते हैं ना। ओले मेरा बच्चा, दीदी को पहचान लिया तूने? तो मीट पिल्लू, हम आ गए पिल्लू के पास। मतलब पिल्लू कितना पाला है, मेरे को ना एक अलग ही अटैचमेंट होगी इस बच्चे से। जर्मन नहीं आया अभी, ये आ गया, बर्मन आ गया हमारा। तो मैं आ गई घर। हाँ आ जा स्कूटी पे, आ जा इधर गोलू, और उधर देखो हमारे नवाब साहब आ रहे बेटे, अंदर ही आ रहे। और यहाँ पे अपनी गाय माता ये खा रही है बोरियों में से पुराल निकाल के। कोई बात नहीं खा लो, मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है इसीलिए, मैं और बिछा दूंगी पर आप खा लो। हाँ जी तो अब फीडिंग के बाद में मैं आ गई हूँ अपनी पलटन के साथ में नाबू को घुमाने, और आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म।
आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि।